हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता, आज एसएन टू रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और अमीन्स, इसके अंदर क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आज की क्लास में मैंने क्या बताया। तो एक जनरल रिएक्शन ऑफ एस एन टू आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि अगर जनरल रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो मिथाइल क्लोराइड सब्सटेट NaOH का रिएक्शन एसीटोन की मौजूदगी में बनाना मिथेनॉल है। मतलब प्रॉपर तरीके से सब्सटेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट सॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक मैकेनिज्म आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सब्सटेट क्या है, कौन इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनता है, फाइनली ओवरऑल क्या होता है। सब्सटेट में वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, लिविंग ग्रुप में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, अल्काइल पार्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरीके से बात करें तो हम रिएजेंट कैसा कैसा ले सकते हैं, सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, लिविंग ग्रुप के वेरिएशन क्या हो सकते हैं, अल्काइल के पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड तीनों पे एसएन2 रिएक्शन होते हैं या कोई लिमिटेशन है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है तो इसी के अंदर से लिविंग ग्रुप होंगे और इसी के अंदर से न्यूक्लियोफाइल आने वाले हैं। तो कौन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन से खराब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो रिएजेंट अटैक करते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या हैलोजन का हैलोजन से एक्सचेंज हो सकता है, नहीं अगर हो सकता तो उसके पीछे क्या नाम इन्वॉल्व है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर मैं हैलोजन हटा के OH लगाना चाहता हूँ, OR लगाना चाहता हूँ, SH लगाना चाहता हूँ, OPH लगाना चाहता हूँ, तो क्या हमको रिएजेंट यूज करना है। कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं हैलोजन एक्सचेंज की बात करूं, ऑक्सीजन सल्फर लगाने की बात करूं, अलोंग विद डैट अगर बात करता हूं नाइट्रोजन लगाने की, मतलब हम अमीन बनाना चाहते हैं, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, और सॉल्ट में जब आपका एक्स होगा और एक्स को कभी OH में कन्वर्ट करना होगा तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, प्रॉपर आना चाहिए। कार्बन ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा तो कौन कौन से होंगे और किसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन कैसे तेज होता है, स्लो होता है, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग देखूं तो कौन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जब कभी केसीएन के साथ रिएक्शन कराएं, एजीसीएन के साथ रिएक्शन कराएं, केएनओ2 से रिएक्शन कराएं, एजीएनओ2 के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या सबसे एक ही प्रोडक्ट बनता है या अलग बनता है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। कि हाइड्राइड भी कभी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में आ सकता है, नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर इसी अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में एक रिएक्शन गैप्रिल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस भी होती है, तो कहने के लिए अमीन चैप्टर में दिखता है, लेकिन इसका भी सब्सटेट अल्काइल हैलाइड ही होता है, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। गैप्रिल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस, तो क्या हर तरह के अमीन इसके द्वारा बनते हैं, क्या एलिफेटिक बनता है, एरोमेटिक बनता है, प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है, किस तरह के रिएजेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या एसिड बेस के बिना भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, नाइट्रोजन क्यों न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्यों नहीं रेजोनेंस के थ्रू यहां जाके ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका आना चाहिए क्योंकि रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में अगर इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखें तो अगर यहाँ पे कायरलिटी होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, कायरलिटी नहीं होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की संभावना होगी तो वहाँ क्या हो सकता है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सब्सट्रेट में कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिएजेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में क्या होगा, सब्सट्रेट में भी है, रिएजेंट में भी है, प्रोडक्ट में क्या होगा, सब्सट्रेट में नहीं है, रिएजेंट में है, तब क्या होगा, हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कहानी में अगर टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है तो कौन सा रिएजेंट लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। और ये भी क्लियर होना चाहिए क्यों इसी को लेकर आगे बढ़ना है, दूसरे वाले लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब अगर मैं अल्कोहल के एस एन टू रिएक्शन के बारे में सोचूं तो इसका जनरल रिएक्शन कौन सा है, क्या एस एन वन है, एस एन टू है, एस एन वन है तो क्यों है, एस एन टू है तो क्यों है, ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और एस एन टू अब अल्कोहल कहां कहां देखने को मिलता है, ये भी हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से होना चाहिए। जब कहानी में ईथर का इन्वॉल्वमेंट आता है और SN1 SN2 को रिएक्शन को मिलाता है तो कब हमें SN1 सोचना है, कब हमें SN2 सोचना है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन देके भी बना सकता है, अच्छा क्वेश्चन देके भी बना सकता है, हर लेवल पे तैयार रहना चाहिए। ईथर साइक्लिक ईथर भी देके भी क्वेश्चन बना सकता है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, 4 मेंबर साइक्लिक ईथर, हर तरह की पॉसिबिलिटी आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद जो SN2 रिएक्शन अमीन की बात करता है तो क्या रियल में SN2 रिएक्शन अमीन होता भी है या नहीं, और होता है तो क्या कंडीशन है जिसमें हम SN2 रिएक्शन अमीन करा सकते हैं, उसका जनरल रिएक्शन कौन सा है, क्या वो SN1 है या SN2 है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए।
जब अमीन से निकलते हैं तो कहानी में आता है कि सर SN1 से R लेके चल रहे थे तो RS मिल रहा था, SN2 में R लेके चल रहे थे S मिल रहा था, और SNI में अब हम चाहते हैं कि R से R ही मिले, तो इसके लिए नया रिएक्शन कौन सा आया? SNI। तो इसके लिए कौन सा सब्सट्रेट है ये प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्या रिएक्शन लेके चल रहे हो ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसके मैकेनिज्म क्या है ये भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, पाइरीडीन का क्या रोल है इस रिएक्शन में वो भी पर तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, कि अगर पाइरीडीन डाल के रिएक्शन कराएं तो क्या होगा और बिना पाइरीडीन के डालें रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो कभी ईथर एज अ सॉल्वेंट ले लें तो रिएक्शन में क्या होगा वो भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कहानी से अगर हम अल्काइल क्लोराइड ही बनाना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से अल्काइल क्लोराइड बनता है, तो कौन सा तरीका अच्छा है कौन सा तरीका खराब है ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। हमें डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब वो आपका SOCl2 की बात कर रहा है और कब आपका SO2Cl2 की बात कर रहा है, मतलब अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंस क्लियर होंगे कि SOCl2 का क्या मतलब होता है और SO2Cl2 का क्या मतलब होता है, तब हम सही तरीके से सब्जेक्ट को सीख पाते हैं और हमारा नॉलेज प्रॉपर तरीके से मतलब इन्हेंस होता है और हम सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का बना पाते हैं। मतलब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो हर तरह का परम्यूटेशन कम्बिनेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में SN1 की सारी दुनिया से दिखाई थी कि उसमें SN1 अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर अमीन्स और उसमें कौन सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व था, यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है SN2 में वो भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, मतलब फेनक्लिनस्टीन रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, जहाँ हेलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं ऑक्सीजन लाना हो तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन लाना हो तो अमोनोलिसिस ये भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, अगर कार्बन लाना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजन का रिएक्शन कोरे हाउस एल्किन सिंथेसिस का रिएक्शन ये भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। मतलब अगर आप IT एडवांस की तैयारी करते हो नीट की तैयारी करते हो इवन मेन की तैयारी करते हो तो ऑर्गेनिक दो सेगमेंट है जिसमें अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सब्सट्रेट क्लियर है रिएजन क्लियर है तो प्रोडक्ट एकदम फिक्स होता है यही बनेगा कुछ और बनेगा ही नहीं, मतलब आपका प्रॉपर टाइम बचता है और इस टाइम को कहीं ना कहीं आप मैथ्स में अगर आप IT की तैयारी कर रहे हो या फिजिक्स में दे दो और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम को कहीं ना कहीं फिजिक्स में दे दो, मतलब केमिस्ट्री आपका टाइम बचाता है, मतलब अगर केमिस्ट्री आपको समझ में आती है इसके क्वेश्चन बना लेते हो तो इन टाइम्स को आप मैथ्स में या फिजिक्स में देकर अपने जो ओवरऑल 3 घंटे हैं एग्जामिनेशन का उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो, अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो। तो अगर आप कोटा में हैं और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे, मुझसे और भारती मैम से, हम आपकी केमिस्ट्री का डर को प्रॉपर तरीके से दूर करेंगे। इवन अगर आप कोटा के बाहर हैं तब भी जुड़िए हमसे, ऑनलाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज को एनहेंस करें और आपकी सब्जेक्ट के डर को दूर करें। केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा है, मज़ेदार है। अगर आप जुड़ते हैं सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, प्रॉपर केमिस्ट्री हम आपको सिखा देंगे। गुड लक, गुड डे।